पंचकुला में 13वें विंग कमांडर एसएस ज्ञानी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में पूर्व भारतीय क्रिकेटर अशोक मल्होत्रा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान वे मीडिया से भी रूबरू हुए, तो वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने मेजर ध्यानचंद पुरस्कारों के नाम बदलने की सरकार के फैसले पर बड़ा बयान दिया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अशोक मल्होत्रा ने कहा कि मेजर ध्यानचंद आज तक एक ही हुए हैं, कोई दूसरा उन जैसा नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। उनके नाम पर दिए जाने वाले किसी भी अवार्ड के नाम को नहीं बदलना चाहिए। इसी के साथ ही महिला क्रिकेटर खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन ना मिलने के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर अशोक मल्होत्रा ने कहा कि महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को भी पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों के बराबर में सम्मान मिल रहा है। वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्रिकेटर अशोक मल्होत्रा ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं और उनका प्रोत्साहन बढ़ाते हुए कहा कि उन्हें अच्छा खेल खेलना होगा, T20 जैसा खेल प्रदर्शन नहीं चलेगा। फाइनल मैच सेंट सोल्जर स्कूल पंचकुला और गुरुकुल स्कूल सेक्टर 20 पंचकुला के बीच रोमांचक मुकाबला था, जिसमें सेक्टर 20 के गुरुकुल स्कूल ने टूर्नामेंट जीता। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व भारतीय क्रिकेटर अशोक मल्होत्रा, स्कूल के प्रधानाचार्य रंजन कुमार, नीना एम सिंह, प्रशासक वनदर गोस्वामी शामिल हुए। बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि 14वां साल है इस टूर्नामेंट का, 13th विंग कमांडर एसएस ज्ञानी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, जो अपने आप दर्शाता है कि कितना लोकप्रिय है ये खेल। और जो सबसे बड़ी बात है कि ग्राउंड कमाल का ग्राउंड, हमारे समय पे ऐसे ग्राउंड नहीं होते थे, ऐसे स्कूल नहीं होते थे, और ऐसे स्कूल के साथ जो जुड़ता वो निश्चित रूप से तरक्की करता है, उसका आगे जाने की पूरी संभावना है, खेल हो, पढ़ाई हो, सब में। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज एंड बेहतरीन स्टाफ है, मैनेजमेंट है, जिसके चलते जो बच्चों के लिए उनका भविष्य बड़ा उज्ज्वल। मेरे को जो लगता है कि खेल तो है, खेल के साथ पढ़ाई भी, वो दिन दूने रात चौगनी तरक्की करेंगे। सो डेफिनेटली इट्स एन एफर्ट, इट्स अ ग्रेट टूर्नामेंट एंड आई होप दे गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। अशोक जी, कितने चांस रहते हैं ऐसे जो टैलेंट निकलते हैं उनका नेशनल टीम में? देखिए, नेशनल टीम अभी दिल्ली दूर है, देखिए अभी शुरुआत तो, पर यह है कि क्योंकि काफ़ी पौड़ियाँ आपको चढ़नी होती है, क्योंकि इसके बाद अंडर 14 खेलेंगे, अंडर 16 खेलेंगे, अंडर 19 खेलेंगे, फिर 23 खेलेंगे, फिर रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, फिर इंडिया की बात होती है, तो 4-5 पौड़ियाँ हैं। लेकिन एक बात तय है कि वंस ए क्रिकेटर ऑलवेज ए क्रिकेटर, यू नो, एक बार आपको जो ये क्रिकेट का जो एक बार भूत चढ़ जाता है ना, जाता नहीं, सारी ज़िंदगी नहीं जाता, तो कहीं ना कहीं एक बार जो लगाव क्रिकेट से हो जाता है उसके बाद आप छोड़ते नहीं हैं। और इस उम्र में जब लगाव हो जाता है ना, क्योंकि इससे आपको पूरी ज़िंदगी का सबक मिलता है कि उतार चढ़ाव, यू नो, एक दूसरे से कम्पीट करना, सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना, ये सब चीज़ें मिलजुल कर आपको मदद करती हैं, ये आपका कैरेक्टर बनाती हैं। क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें पूरा आपका जो ज़िंदगी आपकी उस क्रिकेट के साथ होती है, उसकी तरह होती है। मल्होत्रा जी, जो T20 में जैसे महिला क्रिकेट खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं, उन्हें प्रोत्साहन भी उतना नहीं मिलता है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपकी इस बात से तो सहमत नहीं हूँ कि महिला खिलाड़ी को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा। अब उनको दे आर एट पार विद दी टेस्ट क्रिकेटर, इंडियन मेल क्रिकेटर्स। तो अब जितनी हमारे टाइम में तो शांता रंगास्वामी, डियाना उडल जी को जानता नहीं था, आज की डेट में हरमनप्रीत, स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, घर घर में सब जानते हैं उनको, दे आर हाउस होल्ड नेम्स। पर यह कि अब उनको वर्ल्ड कप जीत के दिखाना होगा, क्योंकि एवरीबडी लव्स अ विनर। अब लड़कियां, मैं एकेडमी चलाता हूँ कलकत्ता में, मेरे एकेडमी में पहले कोई नहीं थी, अब 30-40 लड़कियां खेलती, तो गर्ल पावर इज ऑलवेज देयर। एंड हमको सब पता कि ओलंपिक्स में मेडल कौन लाती हैं लड़की। वनडे वर्ल्ड कप आने वाला है, महिलाओं का क्या कहना चाहेंगे? इसमें ऐड करना चाहता हूँ, हमारे स्कूल में ना गर्ल्स का 2 साल से पहले वाले कोच हैं, उनकी बेटी भी खेल रही है चंडीगढ़ से, जो अपना बैट्समैन